मैं रेडी। किस लिए? तुम्हें ड्रॉप करना था ना। थैंक यू शुएब, लेकिन आज मुनीब को जल्दी नहीं है, तो मैं इसी के साथ चली जाऊंगी गाड़ी में। मैं कल से ऑफिस जाना चाहता हूँ। रियली? मोस्ट वेलकम। मुनीब, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। ओह, सॉरी। किस बात के लिए? मैंने तुम्हारा काफी इंतजार किया लेकिन तुम आए नहीं। मैंने तुम्हें फोन भी किया था लेकिन तुम्हारा फोन बंद जा रहा था। मैंने तो मीटिंग के लिए अपना फोन ऑफ किया था और फिर घर आके ऑन किया है। हाँ, वो मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था। मुझे पता ही नहीं चल रहा था तुम आओगे या नहीं, इसलिए मैं शेबी के साथ आ गई। शेबी को तुमने बुलाया था? नहीं, वो खुद आया था और काफी इसरार कर रहा था कि दादू का अपॉइंटमेंट है, तुम लेट हो जाओगी, इसलिए मुझे आना पड़ा। और तुम अब आई हो? हाँ, वो अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया था, डॉक्टर का मैसेज आया था मुझे, तो हम बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए। वहाँ मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ मामा, सब ठीक तो है? बेटा सारा की तबीयत बहुत सा खराब है, बहुत तेज बुखार है उसे। अच्छा, मैं गाड़ी निकाल लेता हूँ, डॉक्टर के पास ले चलते हैं। नहीं, कहाँ बेटा, वो तो अभी जा ही नहीं सकती डॉक्टर पे, ठंडे पानी की पट्टियां करने लगी हूँ मैं। अब तुम एक काम करो, तुम उसके पास जाकर बैठो, मैं बर्फ और पट्टी ले आऊं। फॉर्मल क्यों बन गया था? अब हमारे दरमियान कोई ऐसा रिश्ता नहीं कि मैं तुमसे बेतकल्लुफ हो जाऊं। सारा जो कुछ भी हुआ तुम्हारी खुशी के मुताबिक हुआ, इसमें भी तो तुम्हारी खुशी थी ना। ताने किसकी खुशी थी? शायद तुम शेबी और जरीना का पिछला रवैया भूल चुके हो। मुझे लग रहा है कि तुम माजी की तरफ फिर देख रहे हो। बेटा एक बात याद रखो, घड़ी की सुई कभी उल्टी नहीं चलती। यहाँ क्या कर रही हो, सोई नहीं अब तक? मुनीब का इंतजार कर रही हूँ। क्यों, वो इस वक्त कहाँ गए? पता नहीं, बताकर नहीं गए। अच्छा चलो छोड़ो ना, तुम क्यों परेशान हो रही हो, उसकी तो पुरानी आदत है ये। तुम चल के सो जाओ, सारा दिन की थकी भी होगी। हाथ छोड़ो मेरे। मुनीब, मुनीब, आनी
पानी। क्या कर रहे हो सारा? तुम्हें बहुत तेज फीवर हो रहा है। अब नहीं है मुझे बुखार, तुम जाओ सो जाओ। मैं मन्नू को ऐसा नहीं समझती थी, उसे तो मुझ पर एतमाद होना चाहिए था। मगर श्वेत भी तो बहुत फ्री होने की कोशिश कर रहा है मुझसे, और शायद वो मन्नू के सामने जानबूझ के ऐसा करता है ताकि मन्नू बदजन हो जाए मुझसे। लेकिन मन्नू तो बात कर सकता है मुझसे, अगर उसे कोई गलत फहमी है तो वो उसे दूर कर सकता है। मगर वो तो जो देख रहा है बस उसी पर यकीन कर रहा है। मुझे बचपन से जानता है, समझता है, उसे मालूम होना चाहिए कि मैं क्या कर सकती हूं और क्या नहीं। माँ जी। दादू जाग रही हो बेटा? जी नींद नहीं आ रही। परेशान हो? नहीं तो। मैं तुम्हारी आंखों को बहुत अच्छी तरह पढ़ सकती हूँ। दादू ऐसी कोई बात नहीं, आपको गलत फहमी हो रही है। तुम्हारे बारे में मेरे अंदाजे कभी गलत नहीं हो सकते। पाल पोस के बड़ा किया है मैंने, जानती हूं तुम्हें अच्छी तरह। और तुम क्यों परेशान हो ये भी जानती हूं। मैंने बशारत से बात कर ली, सुबह मन्नू से बात करके शादी की तारीख पक्की कर दूंगी। मैं अभी तो अपने फर्ज से सुबकदोश हो जाऊं। अब तुम्हारी जिंदगी में मन्नू से ज्यादा किसी की अहमियत नहीं होना चाहिए बेटा। अरे कौन है? आ रही हूं। अरे तो रुको। सानिया मम्मी मम्मी क्या हो गया मेरे बच्चा? अरे क्या हुआ? ये क्या हुआ तुझे? अब चल चल वहां बैठ। अरे क्या हो गया? बैठ तो सही, बैठ। क्या हुआ?
बता तो सही क्यों रो रही है, बता। पानी पानी बता, मेरा दम निकाल रही है, हुआ क्या है बता तो सही। ये ले पानी, आराम से आराम से। क्या हुआ है बता ना मुझे। और तू तो आमिर के साथ गई थी ना, नाम भी ले इस बगरत का मेरे सामने, बड़े वो गिने पड़े उस पे। मगर हुआ क्या है ये तो बता मुझे। एक महीने से कह रही थी कि निकाह कर लो निकाह कर लो, टाले चले जा रहा था। कल जब मेरे खूब शोर मचाया ना मम्मी, तो उसने मुझे मारा और मुझे कमरे में बंद कर दिया उसने मुझे। क्या कह रही है, सारा दिन मैं भूखी प्यासी रही, कुछ नहीं दिया उसने खाने को। और फिर जब कल रात हो गई तो भूखो प्यासे मेरा दम निकलने लगा मम्मी। मैंने शोर मचाया, मैंने दरवाजे खटखटाया, उसे बुलाया मैंने, पता है वो आया तो उसने मुझे पकड़ के बाहर निकाल के उसने मुझे इतना मारा है मम्मी, इतना मारा है उसने मुझे, उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया मम्मी, उसने घर से बाहर। मगर उसने ऐसा क्यों किया मुझे क्यों नहीं। नीच खानदान का ना घटिया शख्स है वो, बहुत घटिया है। कह रहा था कि तुम पहले गई थी ना छोड़ के मुझे, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा मम्मी। मम्मी उसने मुझसे बदला लिया है, बदला लिया है उसने मुझसे, और कहने लगा कि तुम जैसी लड़की से कभी शादी नहीं कर सकता, उसकी बीवी तो बहुत नेक और शरीफ है। बीवी? वो शादीशुदा था? हाँ मम्मी, उसको तो बेटा भी है। क्यों बोला उसने आपसे? मम्मी मम्मी आप मुझे बताए ना, मैं उस आमिर के चक्कर में शिमी को छोड़ दिया, उसे छोड़ दिया है हमने, अब हम क्या करेंगे? हाँ बेटा, बहुत गलतियां हुई हमसे, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां। तुम्हें पता है वहां तुम्हारे अब्बा को 10 साल की सजा हो गई, अब बाकी की जिंदगी हमें इसी क्वार्टर में गुजारनी। जो गलतियां हो गई तो हमें माफ कर, हमें माफ कर दे। हमें अभी आप ये क्या कर रही हैं? हमें नहीं कर रही हूँ। मुनी, चाय पियोगे? नहीं। अच्छा, वो मुझे तुमसे कुछ मंगवाना था। वहां मैं जल्दी में हूँ, तुम शेबी से मंगा लो, वो फ्री भी होगा। कैसी तबीयत है तुम्हारी सारा? बेहतर है पहले से। गुड। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया था? इतना तेज बुखार, और बुखार में इतनी सारी बातें करती तुमने। बातें? जी, दिल की बातें। क्या क्या मतलब दिल की बातें? ऐसे कौन से दिल के राज हैं जो मैंने बुखार में बता दिए? वो बातें जो तुम उसे शेयर नहीं करना चाहती सारा। एक बात याद रखना, अगर दिल की बात सुनोगी ना तो हमेशा खुश रहोगी, दिमाग की बातें सुनोगी तो खुशी नहीं मिलेगी तुम्हें। What nonsense! मेरे दिल में कोई बात नहीं है ना कोई राज, मैं बहुत खुश हूं सारा। मैं हमेशा सोचता था कि मैंने तुम्हारा दिल जीत लिया, और उसी वक्त तुम मेरा दिल तोड़ देती, लेकिन अब मैं तुमसे कभी प्यार की भीख नहीं मांगूंगा, क्योंकि प्यार कभी जबरदस्ती नहीं किया जाता। पर हाँ,
तुम मुझे रोक भी नहीं सकती कि मैं तुमसे प्यार करता रहूं। मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक तुमसे ही मोहब्बत करूंगा और तुमसे इतना दूर चला जाऊंगा कि तुम मेरी कभी शक्ल ना देख सको। मुझसे तुम्हें कोई तकलीफ ना मिले, मेरी साथ से कोई तकलीफ ना मिले, सारा मेरी दुआ है। हमेशा खुश रहो तुम। फैजी, सो सॉरी फैजी, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती। I love you so much, Faisi. Sara. एक बात पूछूं तो सच सच बताओगी? क्या मेरी तरफ से तुम्हारा दिल अब साफ है? मतलब कोई शिकायत तो नहीं? सैफी, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मेरा दिल आपको लेकर बिल्कुल साफ है। वहाँ शेव के साथ ज्यादा खुश नजर आती है, क्या आपने देखा नहीं है? दादो, मेरी तरफ से इनकार है दादो, मैं मुनीब से शादी नहीं करूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है।